उस्तर मैं अपने कबूतरों को 13 घंटे बाद खोलूँगा दाना पानी खिलाने के लिए, और मैं किस तरीके से इनको दाना खिलाऊँगा ये आप खाली देखना। जैसे भाई मैंने रात में इनको करीब 11 दाना खिलाया, पानी वानी खिला के इनको मैंने बंद कर दिया था। अब 13 घंटे बाद में भाई रिजल्ट ये मिलेगा मेरे को। भाई जैसे ही देखो 13 घंटे बाद जब मैं इनको कबूतर को खोलूँगा, ये कबूतर काफ़ी भूखे प्यासे हैं, बड़ी स्पीड से दाना पानी खाएंगे और मस्त जाके बैठ जाएंगे और एकदम मस्त आएंगे। जिसे मैं कबूतर नीचे खोलूँगा ना, तो आप ये देखना कबूतर में एक्टिव काफ़ी। भाई ये सोचते हैं कि हमारे कबूतर बस बैठे रहते हैं, फूल के बैठ जाते हैं, मस्ती नहीं करते, ऐसे क्यों? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी अपडेट आपको दूंगा। और अभी फ़िलहाल में मैं सबसे पहले खोलूँगा अपने जिनके पास अंडे है, जो अंडे से अभी फिलहाल में कबूतर नहीं है वो उनको मैं कबूतर खोलूँगा। उसके बाद में फिर मैं खोलूँगा भाई बच्चे वाले कबूतर। मैं ये कबूतर खोलूँगा ना, तो मैं आपको दिखाया तो भाई जो मैंने रात में खोला था और काफ़ी गंदगी हो चुकी है, ज़मीन की गंदगी देखो आप, ये आप देख रहे हो, ये कल रात की भाई गंदगी है और इसको मैं साफ़ करूँगा, ये वो भी इस चीज़ से। साफ़ करने के बाद में फिर हम कबूतर खोलेंगे। अभी हम पहले तो भाई क्या होता है, अपने पास कबूतर रहते ना तो भाई गंदगी भी होती है, और गंदगी होती है तो हमारे को साफ़ करना भी ज़रूरी है। ये हमारे भाई ये पालतू कबूतर है ना। तो भाई मैं हर एक वीडियो से आपके साथ भी शेयर करता हूँ, जो हमारे नए भाई हैं, नए शौकीन हैं, उनको भी यार मालूम पड़ जाए यार कि यार सफाई कितनी बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों हम क्या कबूतर की वीडियो बनाने जाते हैं ना दूसरे के जाल पे, तो इतनी गंदगी हमारे को दिखती, इतनी गंदगी दिखती कि ये क्या है। मैं तो भाई बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने जाल के अंदर साफ सफाई रखूँ। भाई जो भी भाई मेरे से जुड़ा है और ये वीडियो मेरी देख रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो और आप मेरे को आपकी पूरे कबूतर की जाल की वीडियो बना के दिखाओ कि यार वसीम भाई देखो हम भी सफाई रखते हैं। भाई मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े हैं तो आपकी जाल की सफाई रखते हो कि नहीं। मेरे भाई आईडी ये है, इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, फोटो सेंड करो आपकी पूरे कबूतर की जाल की, ज़मीन के भी और तड़बे के अंदर की भी, ठीक है ना। अभी थोड़ा मैं भी सांसें भी कर लूँ भाई। तो भाई ये देखो पूरी ज़मीन की मैंने सफाई कर दिया हूँ, ये देखो, ठीक है भाई, पूरी ज़मीन की सफाई हो गई है, कुछ भी गंदगी नहीं है, ठीक है। ये देख, और इस कोने में भाई मट्टी मैंने बना के रखूँ कबूतर की, कि यार जोड़ा ले कबूतर को मट्टी कैसी बनाए, वो वीडियो भी आप मेरे जाके देखो। भाई अब मैं कबूतर खोलूँगा जिनके पास अंडे है और जिनके पास अंडे नहीं है, पहले मैं उनको दाना पानी खिला के उनको बंद कर दूँगा। मैं करीब उनको 2 घंटे छोड़ूंगा, 2 घंटे के बाद में फिर मैं खोलूँगा बच्चे वाले। चल बेटा अंडे वाला कबूतर देखिए, चल तू भी आ जा बेटा। भाई कोई अंडे वाले हैं, कोई बच्चे वाले हैं? लो भाई मेरा जंगली कबूतर, तो जंगली कबूतर बैठा वहाँ पर, चल तू भी चल। कबूतर याली खोल दिया हूँ। अब ये कबूतर जब मैंने खोला हूँ ना, तो भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ भाई ऐसी कि आपको भी सीखने को मिलेगा कि हाँ यार
सफाई काफ़ी बड़ी चीज़ होती है और इस वीडियो में काफ़ी अच्छी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों मेरे ये वीडियो के अंदर। अब ये बीट को भाई पूरी उठाऊंगा मैं, ये खुद देखिए आप, इसको पूरी मैं साफ करूंगा, नहीं तो क्या होगा कबूतर क्या है मैं दाना का भी डालता हूँ और दाना का भी गलती से उसमें चले जाएगा ना तो मेरा कबूतर खा लेगा, बीमार पड़ जाएगा, तो वो करना हमारे को सबसे पहले ज़रूरी है। हाँ। तो भाई ये देखिए, ये मैंने सादे कबूतर अभी खोला हूँ, अंडे वाले और जिनके पास अभी अंडे नहीं है मैंने वाले कबूतर खोल के इनको दाना खिलाने के बाद में इनको भाई मैं बंद कर दूंगा, उसके बाद में खोलूँगा बच्चे वाले कबूतर जिनके पास बच्चे हैं तो वो वीडियो भी भाई इसी में ऐड करूँगा। सभी कबूतर ने दाना पानी खा के अब थोड़ा मस्ता रहे हैं, अब मैं इनको बंद करके अब मैं उसके बाद में खोलूंगा भाई बच्चे वाले कबूतर। तो भाई हमने बच्चे वाले कबूतर भी खोल दिए, तो आप देख लो भाई बच्चे हैं बैठे हुए, काफ़ी भूखे प्यासे हैं और भाई ये कबूतरी ने एक अंडा दी यहाँ पर दी है और दो बच्चे यहाँ बैठे हुए। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे ही मैंने ये बच्चे वाले कबूतर खोला हूँ ना तो इनके माँ बाप पेट भर के दाना खाएँगे, पेट भर के दाना खाने के बाद में भाई बच्चे को पेट भर के वो भी दाना पानी इनको खिला देंगे। तो ये दोस्तों मैंने नियम बना के रखा हूँ कि भूखे प्यासे जब ये नीचे उतरते हैं तो अपने बच्चे को भाई पेट भर के वो दाना पानी खिलाते हैं और इनको अभी मैंने दाना डाल दिया हूँ। दाना डालने के बाद दोस्तों अभी मेरे पास चावल भी है, पके हुए चावल, वो भी मैं इनको खिलाता हूँ। देखो दोस्तों ये है भाई पके हुए चावल, चलो देखिए तो भाई ये देखो भाई जितने भी आप सामने देख रहे हो सब बच्चे बैठे हुए हैं दड़बे के अंदर सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर है भाई दो, यहाँ पर है इस जगह पे दो ना, और इधर भी भाई दो बच्चे हैं और नीचे भी दो बच्चे इधर है। तो इस तरीके से भाई इनको मैंने रूटीन बना के रखा हूँ। देखिए आप ये बड़ा कबूतर बच्चे को दाना पानी खिला रहा है, देखिए आपने, तो ऐसा रूटीन बनाने का दोस्तों मेरा मकसद ये है। दोस्तों मैंने ये डेली की रूटीन बना के रखा हूँ, इससे माशाल्लाह भाई मेरे कबूतर फिट है, चुस्ती फुर्ती एनर्जी उनको देखने को मिलती है, प्लस अभी आप जो देख रहे हो भाई उनकी माँ ने पेट भर के दाना पानी खाई फटाक से उनको बच्चे को खिलाने चले गए। जब ये इनको बच्चे को दाना पानी खिला देंगे, जब ये लग रहा है कि हाँ इन्होंने भी दाना पानी खा लिए है, उसके बाद में दोस्तों इनको मैं बंद कर दूंगा, बंद करने के बाद में फिर इनको मैं करीब 6 से 7 घंटे बाद खोलूँगा। ऐसे कभी दोस्तों मैंने मेरे हिसाब से दोस्तों ये रूटीन बना के रखा हूँ, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है दाना पानी खिलाने का, ये अपना दोस्तों ये मेरी स्टाइल है भाई, आपकी स्टाइल क्या है वो मेरे को बताना। और दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है भाई, इसको ही फॉलो करो,